दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिव इंडिया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए और उन चुनाव में जिस तरीके से करारी हार मिली है बीएसपी को, एक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो सम्मान के लिए लड़ती है, एक ऐसी पार्टी जो लोगों के विश्वास के लिए लड़ती है, एक ऐसी पार्टी जिसने उन तमाम शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी थी और जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, जिनको देखकर लोग कहते थे कि आने वाली हमारी पीएम हैं, ऐसा तमाम लोग मानते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ और क्यों पार्टी सिर्फ एक सीट पर आकर सिमट गई, इन तमाम कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीएसपी इतनी छोटी पार्टी कैसे बन गई। आप बने रहिए मेरे साथ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। इस बार जनादेश में बसपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कुछ विशेषज्ञ बसपा को डार्क हॉर्स बता रहे हैं। उनका दावा था कि बसपा के मतदाता चुप रहते हैं, पार्टी का आधार वोट दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर उसे भारी जीत दिलाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने ऐसे विशेषज्ञों के दावों को फुस कर दिया और बसपा को बुरी तरह से नकार दिया। आखिर कारण क्या कर रहे होंगे? मायावती के लिए यह जनादेश सबक देने वाला है। ऐसे में मायावती की हार के कारणों की पड़ताल के लिए हमें थोड़ा पीछे देखना होगा। नोटबंदी के बाद जब भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाने का दावा मोदी सरकार की तरफ से हो रहा था, तो मायावती ने इसके खिलाफ जवानी जंग खोल दी थी। मायावती का दावा था कि गरीब आदमी को इससे परेशानी हो रही है, जबकि भाजपा ने प्रचार किया कि मायावती ने बड़ी मात्रा में काला धन इकट्ठा करके रखा हुआ है, नोटबंदी से वो इसी वजह से परेशान है। जनता ने भाजपा के दावों को सच माना। दूसरा कारण, उत्तर प्रदेश की जनता अगर मायावती को कठोर शासक के रूप में याद करती है तो उनके शासनकाल को भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान कायम करने के लिए भी याद किया जाता है। जहां एक तरफ कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़ मजबूत होती थी तो दूसरी ओर विकास पूरे प्रदेश के एजेंडे से गायब हो जाता था। तीसरा कारण, विपक्ष के रूप में पिछले 5 सालों के दौरान प्रदेश से बसपा गायब रही। खुद मायावती प्रदेश के बड़े से बड़े मसले पर चुप्पी साधे रहीं। उनके पार्टी के ज़्यादातर नेताओं को बोलने की आज़ादी नहीं होती है। ऐसे में विपक्ष के रूप में बसपा को अपनी भूमिका के लिए लोकसभा चुनाव में सबक मिल चुका था, लेकिन बसपा ने उससे कोई सीख नहीं ली। चौथा कारण, प्रदेश की जनता अब विकास के लिए भी वोट कर रही थी। बसपा के अलावा सभी पार्टियों में विकास का अपना एक एजेंडा था, उनके पास एक मॉडल था, लेकिन बसपा ने इस पर कभी चर्चा नहीं की। खुद मायावती ने अपने भाषणों में विकास की बात कभी नहीं की। उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी इस सवाल पर चुप्पी साध लेते थे। पांचवा कारण, बसपा ने खुद को जातीय राजनीति में उलझा कर रख दिया। मायावती ने बसपा को पूरे प्रदेश की पार्टी बनाने की बजाय कभी दलित ब्राह्मण गठजोड़ तो कभी दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे नैया पार कराने की कोशिश की। इससे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। यह तिरस्म बुरी तरह से टूट गया। छठा कारण, बसपा सोशल मीडिया से दूर रहती है। बसपा ने चुनाव प्रचार के नए परंपरागत तरीके से खुद को दूर रखा, जहां बड़ी संख्या में नए जनरेशन सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रही है। बसपा इस प्लेटफॉर्म से गायब रहना नुकसानदेह साबित हुआ। सातवां कारण, यूपी की जनता मायावती के पिछले शासन को कानून व्यवस्था के लिए याद करती है। इस बार मायावती ने बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत अन्य को टिकट देकर इस छवि को भी धूमिल कर दिया। पार्टी ने इसी मामले में अन्य दलों की राह पकड़ ली। जनता को इससे बड़ा झटका लगा।
आठवां कारण, बसपा का टिकट बंटवारा रहा। बसपा पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि पैसे को लेकर टिकट दिए जाते हैं। पार्टी प्रमुख मायावती महिला होने के बावजूद भी पार्टी ने टिकट देने के मामले में महिलाओं से दूरी रखी। 402 प्रत्याशियों की सूची में सिर्फ 21 महिलाओं को पार्टी ने टिकट दिया। नौवां कारण, बसपा मुसलमानों का भरोसा जीतने में नाकाम रही। बसपा के साथ दिक्कत हमेशा रही कि वह सत्ता के लिए किसी भी दल से गठजोड़ कर लेती है। ऐसे में मुसलमानों के एक बड़े तबके को हमेशा से यही डर रहा कि उनके वोट लेकर बसपा कहीं भाजपा से गठजोड़ न कर ले। ऐसे में मुस्लिमों का दिल जीतने का बसपा की कोशिश पूरी नहीं हुई। और सबसे आपको बताऊं, दसवां कारण, जो दलित गरीबों से बसपा की दूरी रही है। बसपा को दलित और गरीबों की पार्टी माना जाता है, लेकिन प्रत्याशियों की सूची में बड़ी बड़ी अमीरों की संख्या रही है। बसपा के बारे में कहा जाता है कि भले ही आप लंबे समय तक पार्टी के कार्यकर्ता रहें, लेकिन चुनाव अटैची वाला ही लड़ेगा। ऐसे में लंबे समय से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह खत्म हो गया। भले ही मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा यह कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की साख दांव पर लगी है, लेकिन वास्तव में बसपा की साख इस चुनाव में दांव पर लगी थी। लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट ना जीत पाने वाली पार्टी विधानसभा में मुश्किल से बसपा प्रमुख को इस चुनाव से सबक लेने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करने की ज़रूरत है और वह जनता से दूर होती जा रही हैं। ईवीएम छेड़छाड़ करने के बहाने बनाने के बजाय उन्हें इस हार को स्वीकार करके गहन मंथन की ज़रूरत है। दोस्तों, लगातार जो युवा है, वो युवा ये चाह रहा है कि बहन जी कब मैदान में उतरें। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं तमाम लोगों के साथ मिलता हूँ, तमाम लोग मुझे यही कहते हैं कि आज भी अगर बहन जी हमें एक आवाज़ दें, ये आंदोलन आपका है और मैं तुम्हें आवाज़ देती हूँ, तो देश का युवा इस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार है। देश का युवा उनके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दोस्तों, ये जो 10 कारण मैंने बताए हैं, ये मैंने भी रिसर्च की है, लोगों से बात की है, तो लोगों ने ये अपनी अपनी राय दी है। आपको क्या लगता है, या ये जो 10 कारण हैं, क्या बस सच में ये 10 कारण हैं बीएसपी के एक सीट लाने के, या कोई और कारण है? आप कमेंट करें और अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।